हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हैं, बीट रूट इडली की रेसिपी। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़ा बोल ले लिया और एक कप भर के हम यहाँ पे सूजी ले लेंगे। आपकी सूजी मोटी हो पतली हो कोई मैटर नहीं करता, आप कोई सी भी सूजी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी कप से मैं यहाँ पे 3/4 कप यहाँ मैंने ऐड कर दिया है दही। दही हल्का खट्टा भी हो तो चलेगा। और यहाँ पे मैंने आधा बड़े साइज़ के बीटरूट को मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर लिया और वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से सब में मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे, ये बीटरूट का पानी ही है तो मुझे हल्का थिक लग रहा था तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसको बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का आपको बैटर बना के रेडी करना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, तो देख सकते हैं आप। और इसको अच्छे से लिड से कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, सूजी अच्छे से फूल गई, मुझे हल्का सा थिक लग रहा है तो मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून भर के मैंने पानी ऐड कर दिया है यहाँ पे। और बस इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर लेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड में रख देंगे। तब तक हम अपना इडली मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इडली मोल्ड ले लिया है, ब्रश में मैंने ऑयल लगा लिया और अच्छे से इसको ब्रश अप कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी जब हम इडली निकालें तो वो चिपके नहीं। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून इनो ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी ऐड करके, और बस इमीडिएटली इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, ये जैसे ही आप इनो मिक्स करें वैसे ही आपको इमीडिएटली यहाँ पे इडली मोल्ड में ऐड करना है बैटर और फटाफट से स्टीम करने के लिए रखना है। मैंने पहले से ही गैस पे स्टीमर रख दिया है गर्म होने के लिए पानी। तो ये देखिए अच्छे से इसमें मैंने भर लिया, दूसरे इडली मोल्ड में भी इसी तरीके से भर लेंगे और एक बार अच्छे तरीके से इसको बराबर कर लेंगे ताकि इडली की शेप अच्छी आए। तो बस मैंने इडली मोल्ड में यहाँ भर लिया है इडली को और बस फटाफट से हमारा पानी भी अच्छे से गर्म है तो अब बस हम इडली मोल्ड में डाल देंगे। और बस 10 से 15 मिनट के लिए आप हाई फ्लेम पे स्टीम कर लें या फिर तब तक जब तक इडली अच्छे से कुक ना हो जाए। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया इडली में, और ये देखिए बिल्कुल भी चम्मच में नहीं चिपक रहा है। तो बस इडली बनके बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है और नारियल की बिल्कुल फ्रेश चटनी बना के यहाँ पे रेडी कर ली है। और ये आप देख सकते हैं कितनी फ्लफी और कितनी टेस्टी हमारी इडली लग रही है। तो बस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।